नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीसीएल को लेकर बहुत बच्चे चिंतित हैं कि सर लास्ट के अब समय में अंतिम दिनों में तैयारी को किस रफ्तार से बढ़ाएं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। कंप्यूटर के लिए काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि सर कंप्यूटर में आप बता दो कि क्वालिफाई क्या पढ़ लें कि हम क्वालिफाई हो जाएं, क्योंकि कुछ बच्चे हमें लास्ट टर्म में एडमिशन लिए हैं, कुछ बच्चे को कहीं से कुछ पता ही नहीं चला और एग्जाम ऑलमोस्ट आपका लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर लिखा गया है कि होना है। ठीक है, तो हो सकता हो ही जाएगा, ठीक है, 90% उम्मीद तो यही है। तो ये उसके लिए आपको कंप्यूटर में क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि इसका मार्क्स मायने नहीं रखता है। तो ये यहां पे मैं नहीं बताऊंगा कि आप यहां 50 में से 45 प्लस सही करो, ठीक है, क्योंकि आपका मेरिट पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। नहीं, अगर आपसे बोला 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, 20 अंक आने चाहिए, तो आप 20 प्लस लेकर आओ, 25-30 ले आओ आराम से। निगेटिव मार्किंग है तो 20 प्लस से ऊपर आपको मार्क्स सही करने हैं, 20 प्लस प्रश्न सही करना है। ये मत कहना कि गुरु जी ने कहा था 20 प्रश्न सही करना है सिर्फ खाली, 20 से ऊपर आपको प्रश्न सही करने हैं। तो वो आप कैसे करोगे, बेस्ट स्ट्रेटेजी और सही प्रश्न 20 प्रश्न हैं, क्या होना चाहिए लास्ट के दिन में, आप क्या पढ़ लो, और इन सभी का मैं निचोड़ आपको प्रीवियस जो पेपर है उसी के बेस पर बता रहा हूं कि आपका क्वालिफाई सिर्फ एक चैप्टर करा देगा। ठीक है, एक चैप्टर इन द सेंस एक पोर्शन आपका क्वालिफाई करा देगा। जैसे आप देखो अभी यहां पर पेपर का, यहां पर जो आपके चार पेपर ऑफिस असिस्टेंट के हुए थे उनको मैंने एनालाइज किया, और एनालाइज करने पे मुझे मिला क्या कि भैया देखो ऑफिस सूट जो है ना आपका एमएस ऑफिस सूट जो है 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 17 से 18 क्वेश्चन यहां पे था, ये ध्यान रखना, तो किसी में भी एक कम नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये जानो कि यहां से आपका 22 प्लस प्रश्न तो आएगा ही आएगा इससे। अब इस एमएस ऑफिस में क्या क्या आपको पढ़ना है ऑफिस सूट में, तो देखो एमएस वर्ड पढ़ लो, ठीक, पावर पॉइंट पढ़ लो और एक्सेल पढ़ लो। अब इसमें ये नहीं बता सकते किससे ज्यादा प्रश्न होगा, तीनों को मिलाकर ही ये 25 प्रश्न बना है। तो एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका वर्ड, ये तीनों ही एमएस सूट में मेन होते हैं। ठीक है, एसएस भी होता है लेकिन एसएस से बहुत कम प्रश्न होते हैं, एसएस से बहुत कम प्रश्न होते हैं, आप बस क्वेश्चन उसका कर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको इसको तो मैंने आपको ऑलमोस्ट तीन क्लास 200 250 300 क्वेश्चन मैंने सिर्फ एमएस पावर पॉइंट का मतलब एमएस ऑफिस सूट का कराया है। अगर आप वो क्वेश्चन ही ढंग से कर ले जाते हो, देख जाते हो, उसकी व्याख्या देख जाते हो, तो मैं बता रहा हूं कि अगर 25 प्रश्न आएगा तो आप 20 प्लस उसमें सही कर रहे होगे सिर्फ वो क्वेश्चन देख के जा रहे हो तो। ठीक है, और भी जितने मैंने आपके पेड बैच में एमसीक्यूज लगवाए हैं, ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर एमसीक्यू लगाए, अगर सही से एमसीक्यू ही पढ़ जाते हो, नहीं आपने लेक्चर देखा है, नहीं आपने नोट्स पढ़ा है, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, यह भी ध्यान रखो। तो ये टारगेट आपका मेन होना चाहिए कि सिर्फ मसवर्ड पावर पॉइंट एक्सेल अच्छे से पढ़ लें तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका जो बेसिक कंप्यूटर की बात किया जाए, बेसिक कंप्यूटर और जनरेशन से जो प्रश्न है आप देख रहे हो बहुत कम बन रहा है, कहीं एक दो बन रहा है, कहीं तीन बन रहा है, तो उसका ये है। उसके बाद से आपका जो हाई वेटेज रखेगा वो आपका आर्किटेक्चर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखेगा, हार्डवेयर डिवाइसेस सॉफ्टवेयर पोर्ट एड्रेस ये सब जो होता है आर्किटेक्चर सीपीयू एएलयू कंट्रोल यूनिट ये जो मैंने पढ़ाया था आपको वो जो आता है 11-6-4-6 ऑलमोस्ट ये देखो ये वेटेज है। ठीक है, तो अगर मैं आप 22 वहां कर ले जाते हो और 6 प्रश्न आप ऑलमोस्ट अगर मैं मानूं यहां से 22 आप एमएस ऑफिस सूट से करते हो 22 प्रश्न और 6 प्रश्न आप यहां से करते हो तो 30 प्रश्न तो आपके ऑलरेडी हो गए। ठीक है, चलो प्रश्न आपको पूरे करने हैं, ये नहीं है कि आपको पूरा नहीं करना है, आपको प्रश्न जो है पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है और सही कोशिश करना सही जावे करने की, ये ना कि पूरा का पूरा निगेटिव मार देना। मैं बता रहा हूं कि ये आपके 6 प्रश्न आराम से हो सकते हो, वहां पे 22 प्रश्न कर सकते हो। अब यहां पे मान लो 6 से अगर 10 प्रश्न आता है तो आप मान लो यहां पे मैंने कहा 8 प्रश्न आया तो आप 6 सही कर सकते हो। उसके बाद से नेटवर्क कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है, तो इसका तो मैं नहीं कहूंगा कि इसको पढ़ने में बजो अभी, ये पढ़ लो ये पढ़ लो बहुत है। उसके बाद से नंबर सिस्टम का भी उतना ज्यादा वेटेज नहीं है। उसके बाद से थोड़ा सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाओ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट देखोगे
तो यहां 3, 6, 4 यहां एक बार में 19 प्रश्न पूछा है, तो ओवरऑल मैं कहूं तो 6 से 7 प्रश्न यहां भी हो गए, ठीक है। तो 22 प्लस 6 28, ठीक है, 28 और 6 आप मान लो, 8 6 14 मतलब 34 प्रश्न, यहां पे 28 होगा 30 नहीं, ये 28 कर लो, ठीक है। तो 28 8 6 14 मतलब 34 प्रश्न आपके यहां मैंने आपको बना दिया, बाकी शॉर्टकट की और वो सब मिला लो तो 3 प्रश्न एब्रिविएशन का मिला लो, वो पीडीएफ लगवा दिया वो पढ़ लो। यहां पे मैंने आपको 35 प्लस आपको करा दिया, कितना भी निगेटिव कर लोगे सब कुछ ये करने के बाद, बाकी छोड़ दो, बाकी आप तुक्का मारो, हो सकता है निगेटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 40 हो गया, 15 आपका निगेटिव हो गया, ठीक है, 15 बचा ना, ठीक है। अगर 15 निगेटिव हो जाता, 15 आप पूरा करते हो, 15 गलत हो गया आपका, मान के चलो आपने पूरा 50 अटेम्प्ट किया तो 15 गलत हो गया, तो 15 का 1/4 ही मार्क्स तो आपका कटेगा, ठीक है। तो 4 3 12 बहुत जाएगा, तो आपका कितना 3 नंबर जाएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो आपका ओवरऑल 3 नंबर यहां से जाएगा। अगर आपने 50 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर लिए और 35 आपके सही हैं तो आप बहुत जा रहे हो, तो 35 तो सही है, 15 क्वेश्चन आपके गलत हैं, ठीक है, तो बहुत होगा आपका, 35 - 3 32 नंबर लाओगे, बहुत होता है इतना नंबर, ठीक है, बहुत होता है। तो उसके लिए घबराओ ना कि आप पूरा अटेम्प्ट करना, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, लेकिन कोशिश यह करना कि हम जो है सही जो है वो 32-33 के ऊपर करें, हमारा टारगेट होना चाहिए 32-33 के ऊपर कटने पिटने के बाद भी आ जाए, है ऐसा ना हो कि बाउंड्री पे ही गिरो, कि 20 पे ही आए एकदम, हाँ आए तो 25 से ऊपर आए कटने पिटने के बाद, तो वो ध्यान रखना। तो मेरा कहने का मतलब है कंप्यूटर सिर्फ आपको एमएस ऑफिस सूट पढ़ लो, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है इन सब के बारे में, ALU CU रजिस्टर मेमोरी, ठीक है, मेमोरी क्या होती है, बिट्स क्या होते हैं, ये सब कितने बिट को क्या कहते हैं, वो सब जनरल जो है वो पढ़ लो, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज में जैसे क्या होता है ना, आइकन कहां होता है, आप पासवर्ड सेट करना है तो जो कंट्रोल पैनल है वहां पे कैसे जाके सेट करोगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, टास्क बार में कितने होते हैं, आपके बाय डिफॉल्ट आइकन कितना होता है, राइट क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में कितने आपके डेस्कटॉप पे आपके वो आते हैं, शॉर्टकट बनाना हो किसी का किसी फाइल का चाहे किसी का, तो कैसे बनाओगे उसके स्टेप, तो वो जनरल से स्टेप है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है बस, तो आपका ये पूरा का पूरा पेपर आराम से निकल जाएगा। और मैं बता तो रहा हूं एमएस ऑफिस अच्छे से कर लो क्वालिफाई हो जाओगे, एमएस ऑफिस कर लो, बाकी तुक्का मार दोगे तो मैं बता रहा हूं क्वालिफाई हो जाओगे। तो कंप्यूटर के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना विचारना नहीं है कि कहां से पढ़ें, ठीक है, आपके पास नोट्स होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है, उसको पढ़ा लो, और जैसे ही आपका, मैं बता रहा हूं कि 12 या 13 तारीख से मैं फिर से मैराथन क्लास लेने लगूंगा आपका, और एक आपको 10 घंटे की मैं क्लास दूंगा, ठीक है, 10 आवर मैराथन क्लासेस मैं आपको दूंगा, उसको अगर आप देख डालते हो, 10 घंटे की मैराथन क्लास होगी वो, अगर आप उसे देख डालते हो मैं दावा करता हूं एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा, उसमें सब है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विंडो, ऑफिस, पावर पॉइंट, आपका नेटवर्क, सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपका 10 घंटे की मैराथन देख डालो, खाली एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, आपका मैं बता रहा हूं 100% कंप्यूटर कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जल्द ही आपको अपलोड कर दी जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, इसको आप देख लेना पूरा कंबाइन करके, 10 घंटे लगातार चलेगी, इसको अच्छे से देख लेना, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इसी से आपके ASI में भी फंस गए थे, आप में भी आ जाएंगे, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत और हो रही है, कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि सर कहां से पढ़े, जो पेड स्टूडेंट नहीं है, तो एक बार जरूर हमसे कंसल्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बहुत सी वीडियो फ्री पड़ी है, आप सिर्फ आप उसको देख के चले जाते हो, लास्ट में आप नहीं कोर्स परचेस कर पा रहे हो, तो वहां से आपका कल्याण हो जाएगा। प्लस एक चीज और कि भैया प्रैक्टिस करने आना, टेस्ट सीरीज जो हमारी है, जो आपके पेड क्लास में, जो हमारा पेड क्लास है यूपी PCL एग्जीक्यूटिव का, ₹599 का है, इसमें आपको पूरा मटेरियल दिया गया है, ठीक है, तो भाई उसको अब रिवाइज करने का समय आ गया है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, 3 से 4 टेस्ट हो चुका है, टोटल 10 टेस्ट कराएंगे। टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अध्ययन करो,
जितने भी आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना उसमें कंप्यूटर के, अच्छे से उसको पढ़ो, रिवाइज करो, पक्का ये सब कर ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, अगर कोई दिक्कत कोई समस्या होती है तो मैंने बता दिया कि कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो इसी तरह मैंने रीजनिंग का भी आपको बता दिया कि कैसे स्कोर कर सकते हो, उसकी भी जो वीडियो की लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, आप वहां से वीडियो रीजनिंग के जो है पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी देख सकते हो कि कैसे हम क्या पढ़ लें कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर करें। बाकी एक संपूर्ण जो है आपकी रणनीति आलोक सर के द्वारा दी जाएगी, उसे आप लोग अच्छे से देख लेना, वो पूरा आपके पेपर को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो जो भी डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। आप सभी के, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।